मैं ना सोच रहा हूँ कि ना कैट का एग्जाम ना दूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ नॉट गोइंग फॉर द कैट एग्जाम बिकॉज आई एम नॉट स्टडीड फॉर द लास्ट 10 days। ये दिवाली का टाइम आ गया, मेरे घर पे सब लोग आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, हाउ कैन यू इवन से दैट आई डोंट वॉन्ट टू गिव कैट का एग्जाम? यू हैव स्टडीड फॉर द होल मंथ। द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, ही कॉल मी अप टूडे जस्ट सम टाइम अगो एंड ही हैव ज्वाइंट अस इन जून। जून से लेकर नवंबर तुमने कुछ तो पढ़ा यार, हाउ कैन यू से कि कुछ आता नहीं है, नहीं हो पाएगा, ये है वो है? फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो बैकआउट। जब गर्दन डाली है तो अभी कटने का डर नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव कैट का एग्जाम। या आई अंडरस्टैंड यू आर थिंकिंग ऑफ इट सर, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम ऑन कैट आई एम थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द नॉन कैट एग्जाम। भाई कैट गया, नॉन कैट एग्जाम इज अ गुड बैकअप प्लान, बट वॉट इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन दोज एग्जाम एज वेल, फिर कहाँ पे जाएगा? या ये होता है, हमेशा होता है कि वेन एवर यू कम क्लोज टू टास्क ए यू ऑलवेज लुक एट टास्क बी। फाइन, इट हैपन टू मी वेन एवर आई एम ऑन अ हॉलीडे, या वाइल ऑन दैट हॉलीडे रादर देन इंजॉइंग दैट हॉलीडे आई एम थिंकिंग अबाउट कि नेक्स्ट कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे आने की जगह ना मुझे वहाँ जाना चाहिए। अबे साले ये तो इंजॉय कर ले पहले। आर यू गेटिंग मी? 10 days टू एग्जाम, बिफोर द एग्जाम यू कैन नॉट क्विक क्विट। इट्स अ बिग नो नो। The moment CAT is over, we will immediately move the plan for the non-CAT exam. I'll be making the video next day on the CAT exam, next day on the CAT exam, talking about the non-CAT exam. अभी नहीं यार, 10 दिन पहले तुम हार नहीं मान सकते। क्यों आ गया यार, स्कोर कम आएगा ना? Worst case, what will happen? Score will be less. CAT exam will open up your eyes, ears, and every other body part for the non-CAT exam as well. Yeah. So not going for the exam is a big no-no. Please try to understand that. दिस एग्जाम, ये भूत को फेस करना, फेसिंग द गोस्ट ऑफ द कैट एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर द नॉन कैट एग्जाम एज वेल। फाइन, आफ्टर कैट एग्जाम एवरी अदर एग्जाम विल बी बेटर ऑफ, यू विल बी मच बेटर ऑफ इन द अदर एग्जाम्स। वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कैट एवरी क्वेश्चन न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, या इट्स वेरी वेरी अनलाइकली दैट यू सी इन द क्वेश्चन अर्लियर एंड इज कमिंग इन द एग्जाम। बट इन द स्नैप एंड मैट सी मैट सी टी ऑल द नॉन कैट ऑल मीन ऑल द नॉन कैट एग्जाम्स you will find the same question which you have done in the books. Same question. How much time you are taking to solve the question will become the main factor after CAT exam. तो 10 दिन की बात हो रहा है यार, हाउ कैन यू से? यू कैन नॉट से नो नाउ। 10 दिन और जान लगा दो मेरे लिए। आई कैन गिव यू राइटिंग, यू विल बी गेटिंग द आई एम कॉल्स। ऐसी आती है यार कॉल्स, कट ऑफ क्लियर हो गया यार, 2 नंबर ऊपर नीचे गेम होते रहता है। विराट कोहली इज नॉट गोइंग टू मेक अ सेंचुरी इन एवरी मैच। IPL का तो खैर जान दो, IPL की तो बात ही मत करो। कोहली एंड IPL आर लाइक, anyway, we'll not talk about that. But Kohli is not going to make a century in every match. Fine. Same way for you as well. You are, your scores are never going to be same. CAT exam is like Bali. I made a video earlier as well. Bali ke samne aate na, your taakat become half. Your motivation, your confidence, everything become half. It's normal. Everybody have gone same phase. And apni aadhi problem is all the festivals are lined up together. ठीक है, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, ऑल द इवेंट्स आर हैपनिंग टुगेदर एंड व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर इंजॉइंग, तो तुम्हारा और दिमाग खराब होता है। वन मोर स्टूडेंट कॉल मी अप एंड शी सेड कि सर मेरे ना सिस्टर आई हुई है, शी गॉट मैरिड लास्ट ईयर एंड शी इज ऑल्सो हेयर विद हर हस्बैंड, तो पार्टी चल रहा है घर पर ही है, तो माहौल ऐसा है कि पढ़ने को मन नहीं करता। तो बेटा करो, नहीं तो तुम भी शादी करो अगले साल, फिर तुम भी इंजॉय करोगे। एंड जोक्स अपार्ट, भाई 10 दिन की बात हो रही है, 10 दिन के बाद वी आर गोइंग टू फोकस नॉन कैट एग्जाम। आई विल डू दैट, दैट्स माई माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैट के बाद विल टेक अ लॉन्ग ब्रेक फॉर 1 day 2 day बस, और तुम खुद ही आओगे वापस। 2 दिन के बाद कैट के बाद विल टेक अ लॉन्ग ब्रेक एंड देन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर नॉन कैट एग्जाम। तब तक 10 दिन की बात और है अपने लिए, मेरे लिए, सबके लिए। लेट्स कीप द हार्ड वर्क अप, डोंट फील डाउन प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, डोंट फील डाउन। ऑल द बेस्ट।